घूमने के शौकीन लोग जापान, जो लैंड ऑफ द राइजिंग सन कहलाता है, घूमने जरूर जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर एंशियंट ट्रेडिशंस, कटिंग एज टेक्नोलॉजी और माउंट फ्यूजी की नेचुरल ब्यूटी को देखने का अवसर मिलता है। साथ ही टोक्यो की हलचल भरी सड़कें और जापान के प्राचीन मंदिर भी देखने को मिलते हैं। यहाँ का ट्रांसपोर्ट सिस्टम बहुत एफिशिएंट होने से जापान घूमना आसान है। चाहे जापानी वाइब्रेंट कल्चर का आनंद लेना हो या यहाँ के हिस्टोरिक लैंडमार्क्स देखने हो, जापान की जर्नी हर किसी के लिए एक मेमोरेबल जर्नी होती है। आइए जापान की राजधानी टोक्यो सिटी घूमने चलते हैं, जहां टोक्यो के टॉप 10 अट्रैक्शंस देखेंगे। आपका हमारे YouTube चैनल ट्रैवल विद मधु विनोद में स्वागत है। आज हमारे जापान टूर का तीसरा दिन है। हम वेस्टर्न होटल टोक्यो में ठहरे हुए हैं। वेस्टर्न होटल टोक्यो की लिफ्ट काफी सुंदर है। नीचे लॉबी में आ गए। ये होटल का लॉबी एरिया है। ब्रेकफास्ट किया। बाहर पुराने समय की एक घोड़ा गाड़ी खड़ी हुई है। टोक्यो सिटी टूर के लिए बस भी होटल आ गई है। आज सबसे पहले टोक्यो सिटी टूर में जापान के फेमस प्लेनेट टीम लैब जा रहे हैं। प्लेनेट टीम लैब डिजिटल आर्टवर्क बनाती है। डिजिटल आर्ट्स को कटिंग एज टेक्नोलॉजी के यूज से बनाया गया है। इसमें प्रोजेक्शन और मोशन को मिलाकर आर्टवर्क क्रिएट किए गए हैं। टोक्यो में प्लेनेट टीम लैब मोस्ट पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शन बन गया है। यहाँ पे लोग मल्टी सेंसरी इफेक्ट्स का अनुभव करते हैं। सभी सामान को रखने के लिए लॉकर बने हुए हैं, जिनकी चाबी में लॉकर नंबर दिया गया है और ये चाबी हाथों में पहन ली जाती है। छातों को रखने के लिए भी ताले वाले लॉकर लगे हैं। ये म्यूजियम प्रतिदिन सुबह 9 बजे से रात 10 बजे तक खुला रहता है। सबसे पहले वेट एरिया में जा रहे हैं। इस आर्टवर्क का नाम वॉटरफॉल ऑफ लाइट पार्टिकल्स है। इसमें एक इंक्लाइंड गलियारे में बहते हुए पानी में चलते हुए वॉटरफॉल पर पहुंचते हैं, जहां लाइट के रिफ्लेक्शन से चमकते हुए वाटर पार्टिकल्स से बना हुआ शाइनिंग वाटरफॉल ऊपर से गिर रहा है। शाइनिंग वाटरफॉल से सराउंडिंग एरिया भी इल्यूमिनेट हो रहा है। अब दूसरे हॉल में आ गए। इस हॉल में बहुत से बड़े और बहुत सारे गुब्बारे जमीन पर रखे हुए हैं, जो कमरे के रंग के साथ रंग बदलते हैं। जब लोग इन गुब्बारों के बीच में चलते या ढकेलते हैं, तो बगल वाले गुब्बारे का रंग बदल जाता है और धीरे धीरे सभी गुब्बारों का रंग बदलता जाता है। इस समय बहुत से लोग कमरे में हैं, तो इफेक्ट सही तरह से दिखाई नहीं दे रहा है। इस आर्टवर्क का नाम फ्लोटिंग इन द फॉलिंग यूनिवर्स ऑफ फ्लावर्स है। इसमें एक सेमी स्फेरिकल हॉल है,
जहाँ ब्लूमिंग फ्लावर्स सेमी स्फेरिकल हॉल की छत पर फ्लोट करते हुए मूव करते रहते हैं। इसे फर्श पर बैठकर या लेटकर देखने में बहुत अच्छा लगता है। सेमी स्फेरिकल मूविंग आर्टवर्क के मूव करने से ऐसा लगता है कि हम भी इन फ्लावर्स के साथ फ्लोट कर रहे हैं। इस तरह से ये आर्टवर्क उसमें डिसॉल्व होने जैसा एक्सपीरियंस देता है। ये आर्टवर्क प्री रिकॉर्डेड नहीं है, ये रियल टाइम एक्सपीरियंस है। कंप्यूटर प्रोग्राम से हर बार नई फ्लोरल डिजाइन क्रिएट होकर दिखाई देती है। अब इनफाइनाइट क्रिस्टल यूनिवर्स हॉल में आ गए। यहाँ एक बहुत बड़े और ऊंचे हॉल में छत से छोटे छोटे क्रिस्टल्स लटके हुए हैं। हॉल के चारों तरफ और छत व फर्श पर भी मिरर्स लगे हैं, जिससे इन्फिनिटी फीलिंग आती है। इस हॉल में छोटे छोटे लाइट पॉइंट्स से थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स बना रहे हैं। हॉल में लोगों की प्रेजेंस से ये आर्टवर्क बदलता रहता है। ये आर्टवर्क यहाँ का पॉपुलर और मेन आर्टवर्क है। इसका नाम ड्राइंग ऑन द वॉटर सर्फेस क्रिएटेड बाई द डांस ऑफ कोई एंड पीपल है। हॉल में जाने का रास्ता पानी से होकर जाता है। यहाँ घुटनों तक हल्का गर्म पानी भरा है। हॉल के चारों तरफ मिरर्स लगे हैं, जिससे इन्फिनिटी की फीलिंग आती है। पानी की सरफेस पर डिजिटल कोई फिश तैरती हुई आती है, जो टच करते ही गायब हो जाती है, और पानी पर रंगीन आर्टवर्क बनते रहते हैं। ये सब प्रोजेक्शन और मोशन को मिलाकर कटिंग एज टेक्नोलॉजी का यूज करके किया गया है। ये आर्टवर्क रियल टाइम है। जैसे जैसे व्यूअर और प्रोजेक्टेड आर्टवर्क से इंटरेक्शन होता है, कंप्यूटर प्रोग्राम से हर बार नई फिगर्स क्रिएट होकर दिखाई देने लगती हैं। म्यूजियम के बाहर ये एक आर्टवर्क है। इसे यूनिवर्स ऑफ फायर पार्टिकल्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई नाम दिया गया है। प्लेनेट टीम लैब टोक्यो के ओडाइबा में शिन टोयोसु स्टेशन के सामने है। यहाँ चेरी के पेड़ सुंदर फूलों से लदे हैं। साइड वॉक पर पैदल चलने वालों के लिए और साइकिल के लिए ट्रैक अलग अलग हैं, जिसमें आने और जाने की भी लेन्स बनी हैं। टोक्यो में ओडाइबा एक मैन मेड आइलैंड है, जिसे 1980 में एक फ्यूचरिस्टिक न्यू सिटी बनाने के लिए डेवलप किया गया था। अब ये एक टोक्यो का पॉपुलर शॉपिंग और एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट बन गया है। सामने ओडाइबा की बिल्डिंग्स दिखाई दे रही हैं। ये रेनबो ब्रिज है, जो 798 मीटर लंबा सस्पेंशन ब्रिज है। ये टोक्यो बे पर बनाया गया है और ओडाइबा आइलैंड को टोक्यो मेनलैंड से जोड़ता है। ये रेनबो ब्रिज ऑब्जर्वेशन डेक है, जहां से रेनबो ब्रिज और टोक्यो बे का सुंदर व्यू दिखाई दे रहा है। ये ओडाइबा का लैंडमार्क फ्यूजी ब्रॉडकास्टिंग सेंटर है। टोक्यो के ओडाइबा एरिया में ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी टोक्यो है,
जो अमेरिका के न्यूयॉर्क में लगी स्टैचू ऑफ लिबर्टी मूर्ति से छोटी है। ओडाइबा में ये मूर्ति जापान फ्रांस फ्रेंडशिप का सिंबल है, जिसे फ्रांस ने 2000 में जापान को गिफ्ट किया था। ये मूर्ति 12.25 मीटर ऊंची है और न्यूयॉर्क में लगी स्टैचू ऑफ लिबर्टी मूर्ति की 1/7 साइज की है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी टोक्यो ओडाइबा मरीन पार्क में लगाई गई है। इसी ऑब्जर्वेशन डेक से स्टैचू ऑफ लिबर्टी टोक्यो की फोटो सभी खिंचवाते हैं। हमारे जापान ग्रुप के साथी अब उइनो पार्क आ गए। उइनो पार्क टोक्यो में एक बहुत बड़ा पब्लिक पार्क है। पार्क की ये जमीन ईडो पीरियड में केनिजी टेंपल की थी। पार्क टोक्यो में चेरी ब्लॉसम के लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि यहाँ पे लगभग 1000 से ज्यादा चेरी ट्रीज लगे हैं। अभी फूल आने शुरू नहीं हुए हैं। कुछ चेरी ट्रीज में फूल आ गए हैं। इसके पीछे लगी हुई घोड़े पर बैठी मूर्ति जापान के प्रिंस कोमात्सु अकिहितो की है। इस पार्क में ये एक फाउंटेन है जहां पर लोग बैठे हुए हैं। फाउंटेन के सामने ही एक मेला लगा हुआ है। अब हेई श्राइन आ गए। ये एक शिंतो श्राइन है जो शहर के बीच में एक छोटी सी पहाड़ी पर बना है। नीचे टोरी गेट से ऊपर जाने के लिए एस्केलेटर और सीढ़ियां बनी हैं, जिससे श्राइन तक पहुंचा जाता है। हम लोग हेई श्राइन जाने के लिए एस्केलेटर से ऊपर जा रहे हैं। हेई श्राइन टोक्यो में नगाताचो एरिया में है और यहाँ चारों ओर चमकती हुई हाई राइजेस हैं। बहुमंजिली ऊंची बिल्डिंग्स में इंटरेस्टिंग एडवर्टीजमेंट चल रहे हैं। शाम हो जाने के कारण इस समय हेई श्राइन बंद है। हेई श्राइन का इतिहास लगभग 800 इयर्स पुराना है। हेई श्राइन के पीछे बहुत से टोरी गेट बने हुए हैं, जिन्हें सभी टूरिस्ट देखने आते हैं। मेन हॉल के पीछे चमकीले लाल टोरी गेट का रास्ता सड़क की ओर जाता है। ये लगभग 90 टोरी गेट्स हैं। ये हम शिबुया क्रॉसिंग की तरफ जा रहे हैं, जो भीड़ के लिए फेमस है। इकट्ठा चौराहे पे चारों सड़कों पर और आपस में दो क्रॉस करते हुए खुलते हैं और हजारों हजारों लोग एक साथ क्रॉस कर जाते हैं। अब शिबुया स्क्रैम्बल क्रॉसिंग पर आ गए हैं। ये क्रॉसिंग टोक्यो सिटी का मोस्ट आइकॉनिक सिंबल है, जो दुनिया भर में प्रसिद्ध है।
शिबुया इंटरसेक्शन पर जाइंट वीडियो स्क्रीन्स और बड़े बड़े एलईडी एडवर्टीजमेंट चारों तरफ लगे हैं। ये देखो, सब स्टेशन से निकल, अरे बाप रे बाप, ओ ये क्रॉस करने के लिए यही चौराहा है, ये सब खड़े क्रॉस करने के लिए। ओ माय गॉड, हर बार जब पैदल चलने वालों के लिए ग्रीन लाइट होती है तो क्रॉसिंग की सभी सड़कों पर अपार भीड़ उमड़ पड़ती है। सभी डायरेक्शंस से बड़ी संख्या में लोगों के क्रॉसिंग को क्रॉस करने के बावजूद पैदल यात्री स्किलफुली एक दूसरे से टकराने से बचते हुए रोड क्रॉस करते हैं। एक सर्वे के आधार पर बताया जाता है कि शिबुया क्रॉसिंग पर हर 2 मिनट में लगभग 3,000 लोग गुजरते हैं। ये क्रॉसिंग शिबुया स्टेशन की एक एग्जिट के सामने है। शिबुया क्रॉसिंग में स्टेशन की एग्जिट के नजदीकी एक डॉग की मूर्ति लगी है। इस डॉग का नाम हचिको है। ये डॉग अपने ओनर मिस्टर उइनो से की गई लॉयल्टी और डिवोशन के कारण जाना जाता है। ये शिबुया क्रॉसिंग का एक मेन मीटिंग पॉइंट भी है। इस तरह से आज टोक्यो के 2 दिनों का टूर भी पूरा हुआ और जापान टूर के 3 दिन भी पूरे हुए। टोक्यो सिटी टूर के पहले दिन का टूर पिछले वीडियो में देख सकते हैं, जिसके लिंक का आई बटन ऊपर दिया गया है। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जानकारी दें। वीडियो को लाइक व शेयर करें। यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब करना न भूलें।